दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देव और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक WhatsApp की नई ट्रिक में। दोस्तों आज की इस ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आप WhatsApp की मदद से एक नया एड्रेस ढूंढना चाहते हैं, या आप अपनी लोकेशन को शेयर करना चाहते हैं, या आप अपनी फ्रेंड को जो है ट्रैक करना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप WhatsApp की मदद से कर सकते हैं। दोस्तों WhatsApp का यूज़ तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक हैं जिनको कि यूज करके आप WhatsApp की मदद से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और यदि आप गर्ल्स हैं और आप बाहर जाती हैं, तो इस फीचर की मदद से आप अपने लोकेशन को शेयर कर सकती हैं अपने फ्रेंड और रिलेशन के साथ, जिससे कि आपकी सेफ्टी जो है हमेशा बनी रहेगी। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए इस घंटे को जरूर दबाइए। तो दोस्तों मैं अपने स्मार्टफोन पे आ चुका हूँ और सारी चीज़ें आपको मैं लाइव करके दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। तो लोकेशन शेयर करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपना WhatsApp ओपन करना है। तो चलिए WhatsApp को ओपन करते हैं, और WhatsApp को ओपन करने के बाद जिस भी फ्रेंड के साथ लोकेशन शेयर करना चाहते हैं उस फ्रेंड को चैट लिस्ट में ओपन कर लेना है। जैसे कि चैटिंग करने के लिए उसका नंबर ओपन करते हैं, सेम उसी तरह से उस फ्रेंड का नंबर ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपना खुद ही का नंबर ओपन कर लेता हूँ आपको बताने के लिए। अब दोस्तों लोकेशन कहाँ से शेयर करना है, आपको नीचे जो है जहां मैसेज टाइप होता है उसके बगल में आपको एक पिन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसको अटैचमेंट का ऑप्शन भी बोलते हैं, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपको ढेर सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लोकेशन का, आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप लोकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पर जो है लोकेशन की सेटिंग ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। जैसे दोस्तों आप सेटिंग को ओपन करेंगे, ये जो है कह रहा है कि आप WhatsApp को अपने स्मार्टफोन के थ्रू जो है लोकेशन शेयर करने की परमिशन दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि परमिशन कहाँ पे है, परमिशन में हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है लोकेशन की परमिशन जो है यहाँ पर डिनाई है, तो हम इसको जो है अलाउ ओनली यूजिंग द ऐप, तो हम इसको जो है कर देते हैं। जब हम इसको यूज करेंगे तभी ये जो है WhatsApp की लोकेशन शेयर करेगा। तो अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, लोकेशन शेयर नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले WhatsApp को जो है परमिशन देना है लोकेशन की। हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप में परमिशन जो है इनेबल भी हो। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा नज़दीकी लोकेशन जो है ढूंढने लगा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंड योर करेंट लोकेशन, शेयर लाइव लोकेशन, तो ये दो तरह के जो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। और दोस्तों अगर जो है ये लोकेशन फाइंड नहीं कर पा रहा है, तो आपको करना क्या है कि अपने स्मार्टफोन की लोकेशन सेटिंग को जो यहाँ से इनेबल कर देना है, तभी ये जो है लोकेशन सेटिंग काम करेगी WhatsApp की। तो मैंने जो लोकेशन सेटिंग को जो है ऑन कर दिया, आप देख सकते हैं कि इसने जो है मेरे लोकेशन को ट्रैक कर लिया है। लेकिन आप मेरे लोकेशन को सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो है सीक्रेट रखना चाहिए अपनी लोकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दो तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, शेयर लाइव लोकेशन का और सेंड योर करंट लोकेशन। करंट लोकेशन दोस्तों वो लोकेशन होती है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, करंट लोकेशन जब भी आप किसी को भेजेंगे तो ये वो लोकेशन होगी जहाँ पर आप होंगे और ये बदलेगी नहीं। मतलब एक बार आप सेंड कर देंगे तो वही जो है बार बार भेजने वाले को दिखाई देगा। और शेयर लाइव लोकेशन अगर आप करेंगे तो ये लोकेशन जो है आपके मूव होने के साथ साथ चेंज होती रहेगी, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर शेयर लाइव लोकेशन कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आप जाएंगे ये लोकेशन जो है मूव होती रहेगी मैप पर, और आपको जो है ट्रैक करना काफ़ी आसान रहेगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ, शेयर लाइव लोकेशन पर हम करते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि शेयर लाइव लोकेशन में आप कितने मिनट के लिए या कितने घंटे के लिए शेयर करना चाहते हैं। तो यदि आप कम समय के लिए गए हैं तो यहाँ पर 50 मिनट सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप जो एक घंटे के लिए निकले हैं तो आप एक घंटा सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि 8 घंटे के लिए आप बाहर हैं तो 8 घंटे को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 15 मिनट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ऐड कमेंट का भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आप अपना जो है कुछ कमेंट लिख कर जो है टाइप करके कि मैं यहाँ जा रही हूँ या यहाँ जा रहा हूँ, वो टाइप करके यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपका लोकेशन जो है सेंड हो जाएगा। तो यदि आप इस लोकेशन को जिसको आप भेजे रहेंगे वो ओपन करता है, तो उसको दिखाई देता रहेगा कि आप कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं फिलहाल 15 मिनट के लिए, क्योंकि मैंने 15 मिनट को यहाँ पर सिलेक्ट करके सेंड किया है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप लाइव लोकेशन को शेयर कर सकते हैं। और करंट लोकेशन का भी मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, चलिए लोकेशन के ऊपर फिर से क्लिक करते हैं। तो सेंड योर करंट लोकेशन, तो करंट लोकेशन में आपको वो प्लेसेस जो है कुछ नज़दीकी प्लेसेस दिखाई देंगे कि मैं यहाँ पर हूँ, या नज़दीकी प्लेसेस भी आप शेयर करना चाहते हैं तो उनको सिलेक्ट करके शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों केवल मैं इसको रहने देता हूँ और ये जो है सेंड हो जाएगा।
करंट लोकेशन में। तो करंट लोकेशन में दोस्तों आपका जहां पर आप व्हाट्सएप को ओपन करके लोकेशन सेंड करेंगे वहीं की जो है लोकेशन व्हाट्सएप यूजर को जिसको भी आप सेंड करेंगे वही दिखाई देगा। तो ये काफ़ी यूजफुल फीचर है दोस्तों, इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपनी लोकेशन जो आपकी रियल या लाइव लोकेशन है वो अपने फ्रेंड को बता सकते हैं। और ये जो है सेफ्टी के पर्पज़ से काफ़ी यूजफुल फीचर है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा था बहुत पहले, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, लेकिन अब जो है ज़माना काफ़ी बदल गया है। मैंने एक साल पहले बनाया था, एक साल के बाद मैं जो इसको जो फिर से बना रहा हूँ ताकि जो नए व्हाट्सएप यूजर हैं उनको भी व्हाट्सएप लोकेशन शेयर करने का पूरा आइडिया पता चल जाए और वो जो है अपनी सेफ्टी को व्हाट्सएप की मदद से जो है बरकरार रख सकें। और ये गर्ल्स के लिए काफी यूजफुल फीचर है, सभी गर्ल्स को इसको यूज करना चाहिए। और दोस्तों यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि जिसको भी आप लाइव लोकेशन भेज देते हैं, आप जहां जहां पर अपना स्मार्टफोन या व्हाट्सएप यूज करेंगे वो लोकेशन जो है उस व्हाट्सएप यूजर को मिलती रहेगी जिसको आप सेंड किए रहेंगे लाइव लोकेशन। तो इसको अगर आप बंद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइव लोकेशन भेजने वाले व्यक्ति को पता ना चले, तो यहाँ पर जो है आपको स्टॉप शेयरिंग का एक बटन दिखाई देगा, आप यहाँ पर क्लिक करके इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो आपका लाइव लोकेशन जो है लाइव होना बंद हो जाएगा और ये जो है आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप व्हाट्सएप की मदद से अपना लाइव और करंट लोकेशन शेयर कर सकते हैं और अपनी सेफ्टी को और भी मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।